कर्जा मुक्ति महाउपाय, धन प्राप्ति महाउपाय, पैसों की तंगी पर करने वाला शरद पूर्णिमा का महाउपाय, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी का बताया 31 दीपक वाला महाउपाय। आज दिन में मैंने इसका वीडियो बनाया था, पर कई लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया, इसलिए मैं यह वीडियो आपको फिर से आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह उपाय आपको 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन करना है। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको 2 थाली लेना है, एक थाली में आपको 31 दीपक रखना है और 31 दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, ठीक है। लंबी बाती का उपयोग करेंगे और सभी 31 दीपक में आपने जो थाली में 31 दीपक एक थाली में रखे हैं सभी में आपको एक एक कमलगट्टा डाल लेना है। अब दूसरी थाली जो है उसमें आपको 5 पान के पत्ते रखना है और उसमें आपको खीर का भोग रखना है, मतलब थोड़ी थोड़ी खीर रख लेना है। इतना समझ में आ गया आपको, 2 थाली में एक में आपको 31 दीपक लंबी बाती के घी के दीपक और सभी के अंदर 31 कमलगट्टे और दूसरी थाली में आपको 5 पान के पत्ते और थोड़ी थोड़ी खीर रख लेना है। अब ये उपाय आपको कब करना है, कई लोगों के ये प्रश्न है। जब चंद्रोदय हो जाए उसके बाद आपको ये उपाय करना है। 8-9 बजे तक चंद्रमा आ जाएगा तब आप यह उपाय कर सकते हैं। दोनों थाली को लेकर आपको खुले में आ जाना है जहाँ से आपको चंद्र भगवान दिखे। साथ में आपको एक कलश लेना है, एक कलश ले लीजिए, उसके अंदर जल भर लीजिए और उसको ऊपर ढक्कन से ढांक दीजिए। अब आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का, और यदि चांदी का सिक्का नहीं है तो आपके घर में जो लक्ष्मी माता की मूर्ति होती है सभी के घर में छोटी सी, उसका उपयोग कर सकते हैं। ढक्कन आपने ढाक दिया कलश के ऊपर, उसके ऊपर ही आपको सिक्का या फिर लक्ष्मी माता की मूर्ति रखना है। इसके बाद आपको खुले में ही सब लक्ष्मी माता की पूजन करना है, सिक्के की पूजन करना है, जो भी चीज़ आपने रखा है उसका पूजन अर्चन करना है। और उसके बाद ये चीज़ जो आप रख रहे हैं बाहर खुले में, इसको आपको सुबह 4 बजे तक रखे रहने देना है। अब सुबह 4 बज जाएंगे तो आप ये जो भी चीज़ें उपाय में शामिल किए थे इन सबको उठा सकते हैं। 31 दीपक को आप चाहो तो ठंडे हो जाएंगे तब तक, आप चाहो तो उसको सिरा भी सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तब सिरा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है रात को ही सिराना है, या फिर आप वो 31 दीपक रख भी सकते हैं। अब पान के पत्ते हैं जो जिसमें खीर है उसको आप अगले दिन सुबह 8-9-10 जितने बजे भी आपको लगे उतने बजे तक खा सकते हैं। खीर को आपको ग्रहण करना है क्योंकि वह खीर अमृत के तुल्य हो जाती है। लक्ष्मी माता को आप अपनी तिजोरी में, यदि आपने चांदी का सिक्का रखा है तो उसको तिजोरी में ला के रख देना है। कलश का जल आप कोई भी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने उपाय की सभी बारीकियाँ आपको समझा दी है, उपाय आपको समझ में आ गया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।